Hello. 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 नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म अन अकेडमी अभियान पर अभी बीच में हमारी भूगोल की कक्षाओं में एक गैप आ गया उसका कारण ये था दोस्तों कि मेरा प्लस कोर्स चल रहा है और मुझे उसको बहुत जल्दी इस महीने वाइंड अप करना है कैसे भी करके तो मेरा ज़्यादा फोकस वहाँ पर था तो मैं क्लासेस को वाइंड अप करने में लगा हुआ था और ज़्यादा क्लासेस लेने में लगा हुआ था अब यहाँ पर एक बार फिर से हम जोग्राफी की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे ठीक है अब ये जो गैप है अभी तो फिलहाल नहीं आएगा और लगातार अभी अपवाह तंत्र तक हम कक्षाओं को कंटिन्यू करेंगे फिर उसके बाद दूसरी यूनिट को सेगमेंट को शुरू करेंगे ठीक है तो चलिए आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास में हम भारत के द्वीपों का अध्ययन करेंगे हम इंडिया के आइलैंड्स को पढ़ना शुरू करेंगे उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा कि ये हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है हम चैप्टर नंबर टू पढ़ रहे हैं दूसरे अध्याय में हमने हिमालय पर्वत का अध्ययन कर लिया उत्तर के मैदानों का अध्ययन कर लिया तटीय मैदानों का अध्ययन कर लिया भारतीय मरुस्थल का अध्ययन कर लिया और अब हमारे पांचवे स्थल स्वरूप हमारे पांचवे फिजियोग्राफिक डिवीजन, भारत के द्वीप आइलैंड्स ऑफ इंडिया की चर्चा हम दो क्लासेस में करेंगे आज ये क्लास चार बजे कल दोबारा से शाम को चार बजे जो क्लास होगी उसमें हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे दोस्तों ठीक है तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं तो भारत के द्वीपों में हमें कुल पांच बातों का अध्ययन करना है सबसे पहले तो हमें द्वीप क्या होते हैं इनका एक सामान्य परिचय लेना है कि आइलैंड्स आखिरकार होते क्या हैं भारत में कौन कौन से द्वीप हैं या भारत के द्वीपों को हम किन आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं किन बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं इस बात की चर्चा करनी है फिर आगे बढ़ेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को डिस्कस करेंगे अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को डिस्कस करेंगे ये आज की क्लास में तो ये तीनों टॉपिक हमें आज की इस क्लास में कंप्लीट करने हैं फिर कल जो क्लास होगी उसमें हम लक्षद्वीप के बारे में बात करेंगे और लक्षद्वीप के साथ साथ भारत के जो अन्य द्वीप हैं अदर आइलैंड्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे तो इस तरह मैप बनाते हुए हमें इस टॉपिक को दो कक्षाओं में कंप्लीट करना है फिर से बता दूं कि मैप बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा तो एक तो अपने पास ब्लैंक मैप रखिए आउटलाइन वाला मैप रखिए जिसमें आप अन्य द्वीपों को फिल करेंगे और आज जो मैं अंडमान और निकोबार का मैप आपको बनवाऊंगा उसे आप सेपरेटली एक कोरे कागज में ए फोर साइज के पेपर में बनाइए क्योंकि बहुत बड़ा मैप बनेगा अंडमान और निकोबार का तो वो मैप आप मेरे साथ ही बनाते जाइएगा ठीक है चलिए तो अब क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले इस बात की चर्चा करते हैं कि आखिर द्वीप शब्द का अर्थ क्या होता है आइलैंड का मतलब क्या होता है तो एक बात समझे दोस्तों कि जो द्वीप है अर्थात जो आइलैंड है वो एक छोटा स्थलखंड है एक छोटा स्थलखंड है स्मॉल स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड जो कि चारों तरफ से जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए दोस्तों कि ये महासागर है या नदी है कुछ भी आप मान लें ये पूरे तरीके से ठीक है ये महासागर हो गया नदी हो गई ओके तो इसके बीच में इसके बीच में मान लीजिए कि इतना हिस्सा है और ये स्थलीय भाग है लैंड वाला हिस्सा है तो इस हिस्से को कहा जाएगा द्वीप अब यहां पर एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया है कि यह भूमि का छोटा सा हिस्सा होता है इट इज पार्ट ऑफ अ लैंड बिकॉज बड़ा क्यों नहीं क्योंकि अगर बड़ा हिस्सा होगा तो फिर वो महाद्वीप कहलाने लगेगा वो कॉन्टिनेंट कहलाने लगेगा अब दोस्तों ये जो द्वीप है, ये जो जो द्वीप आइलैंड है 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 इनका इनका निर्माण कैसे कैसे होता है, इनका कैसे होता फॉर्मेशन तो द्वीपों का निर्माण ना बहुत सारे तरीकों से हो सकता है बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं इसका सबसे पहला तरीका जो सबसे ज्यादा द्वीप बनाता है पूरी दुनिया में वो है ज्वालामुखी वो है ज्वालामुखी उद्भेदन जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे वॉलकैनिक वॉलकैनिक ठीक है तो ज्वालामुखी उद्भेदन से सबसे ज्यादा द्वीपों का निर्माण होता है अब कैसे तो इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे माने फिर से एक उदाहरण के द्वारा समझे कि ये समुद्र है ठीक है ये समुद्र है ये पानी है अब हमें पता है कि नीचे लगातार टेक्टोनिक गतिविधियां हो रही हैं नीचे लगातार लावा घूम रहा है पिघली हुई चट्टाने घूम रही हैं अब मान लीजिए दोस्तों कि पर पर समुद्र के अंदर यहां पर, एक ज्वालामुखी विस्फोट होता है इस जगह पर ठीक है नीचे लावा है यहां से ज्वालामुखी विस्फोट होता है यहां पर तो पहले क्या होगा यहां पर थोड़ा थोड़ा लावा जमना शुरू होगा यहां पर फिर धीरे धीरे और निकलता जाएगा तो ये बड़ा होता जाएगा बड़ा होता जाएगा बड़ा होता जाएगा और इसका कुछ हिस्सा पानी के ऊपर आ जाएगा तो जितने द्वीप हमें महासागर में दिखाई देते हैं वो ऐसा नहीं है कि पानी के ऊपर तैर रहे हैं बेसिकली समुद्र का जो तल होता है उस तल से वो ऊपर तक उठे हुए होते हैं और उनके तल में सामान्यतः ये पर्वत होते हैं तो अगर समुद्र के अंदर एक ज्वालामुखी विस्फोट होता है और फिर वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है तो उस पर्वत का कुछ हिस्सा समुद्र की सतह के ऊपर आ जाएगा ओशियन का जो सरफेस है उसके ऊपर आ जाएगा तो इसी को हम क्या नाम देते हैं इसी को हम द्वीप का नाम देते हैं और ऐसे द्वीप जो ज्वालामुखी की वजह से बनते हैं उन्हें हम वोल्केनिक आइलैंड कहते हैं उन्हें हम ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों हवाई द्वीप ठीक है दो एग्जांपल मैं आपको देता हूं इसका एक उदाहरण है हवाई आइलैंड जो अमेरिका में आता है प्रशांत महासागर में और भारत में इसका उदाहरण है बैरन द्वीप बैरन आइलैंड जो अंडमान और निकोबार में आता है अरब सागर अरेबियन सी तो ये ज्वालामुखी द्वीपों के उदाहरण हो गए ठीक है अब दूसरा तरीका क्या होता है द्वीप बनने का तो दूसरा तरीका होता है अवसाद ठीक है दूसरा तरीका होता है अवसाद अर्थात सेडिमेंट या इसको आप निक्षेपण भी कह सकते हैं अवसादों का निक्षेपण डिपोजिशन डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट ये दूसरा तरीका होता है द्वीपों को बनने का अब जब मैं आपको उत्तर का मैदान पढ़ा रहा था तो वहाँ हमने ब्रह्मपुत्र के मैदान की चर्चा की थी और ब्रह्मपुत्र के मैदान में हमने आपको बताया था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बड़ी मात्रा में अपने साथ अवसाद लेकर के आती है बड़ी मात्रा में अपने साथ सेडिमेंट लेकर के आती है और उन अवसादों को असम का जो मैदानी क्षेत्र है वहां एकत्रित करने लगती है तो इससे वहाँ छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण हो गया है छोटे छोटे आइलैंड्स का फॉर्मेशन हो चुका है और नदी गुम्फित मार्ग की तरह बहती है जो नदी है वो ब्रेडेड स्ट्रीम की तरह दिखाई देती है तो वहां पर नदी अवसाद की वजह से द्वीपों का निर्माण हुआ था तो इसी तरह से दोस्तों निक्षेपण से जो पहले प्रकार के द्वीप बनेंगे उन्हें कहा जाएगा नदी अवसाद रिवर डिपोजिशन या रिवर नदी अवसाद निक्षेपण रिवर डिपोजिशन और इसका उदाहरण क्या है तो इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है माजुली द्वीप माजुली आइलैंड अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ माजुली नदी के द्वारा द्वीप बनाए गए हैं भारत में बहुत सारी नदियां हैं जो द्वीपों का निर्माण करती हैं लेकिन माजुली चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है इसीलिए हम बार बार माजुली द्वीप की चर्चा करते हैं जो असम वाले क्षेत्र में स्थित है तो कैसे बना यह आपके दिमाग में क्लियर है ना जैसे मान लीजिए कि यहां से एक नदी आ रही है इस मैदानी इलाका मिलेगा तो ये अवसाद एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे तो इस तरह आप देखेंगे कि नदी द्वीप का निर्माण होगा रिवर आइलैंड का निर्माण होगा और जो नदी है ना दोस्तों नदी इन धाराओं के बीच में से बहने लगेगी इस तरह से तो इन्हें क्या कहा जाता है नदी के इस मार्ग को कहा जाता है गुम्फित मार्ग इसी को कहा जाता है स्ट्रीम तो ऐसे ही निर्माण होता है नदी द्वीपों का और ऐसे ही निर्माण हुआ है असम में माजुली द्वीप का जो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है दोस्तों ठीक है इसके अलावा दूसरा क्या होता है झीलें जो झील होती हैं दोस्तों तो झीलों में भी द्वीपों का निर्माण होता है ठीक है लेक लेक में भी द्वीपों का निर्माण होता है बात वही तरीका कि झीलें कैसे बनती हैं सामान्यतः तो अगर यहाँ पर एक बड़ी सी झील है और अगर ये झील नदियों के द्वारा बन रही है जैसे यहाँ से बहुत सारी नदियां आ रही हैं अलग अलग रिवर्स इसमें आ रही हैं मिल रही हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अवसाद इकट्ठे होते होते यहाँ पर भी द्वीपों का निर्माण हो जाएगा और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण देखने मिलता है कैस्पियन सागर एशिया वाले क्षेत्र में आता है जानते हैं आप लोग कैस्पियन सागर तो कैस्पियन सागर जो है वो सागर नहीं है वो एक झील है दोस्तों लेकिन वो इतना बड़ा है कि उसको सागर का नाम दिया जाता है इट इज बेसिकली द लेक तो जब कैसपियन को आप देखते हैं तो वहां पर एक द्वीप बना हुआ है तो वो झीलों के अवसाद की वजह से बनता है वो जो लेक होते हैं उनके डिपॉजिट की वजह से बनता है तो ये अवसादों से भी द्वीपों का निर्माण होता है अब तीसरे तरीके पर आते हैं कि तीसरा तरीका क्या हो सकता है समझिए साहब तीसरे तरीके को तीसरा जो तरीका होता है द्वीप बनने का वो प्लेट टेक्टोनिक से तीसरा और चौथा दोनों ही तरीके प्लेट टेक्टोनिक अर्थात प्लेट विवर्तनिकी से जुड़े हुए हैं याद होगा आपको हमने हिमालय पर्वत पढ़ते समय प्लेट टेक्टोनिक की बात की थी समझा था कितनी प्लेटें हैं किस तरह से वो मूवमेंट करती हैं। तो जो तीसरा तरीका है दोस्तों इसे कहा जाता है उमज्जन उमज्जन ठीक है इंग्लिश में हम इसे कहते हैं अपलिफ्टमेंट उमज्जन उमज्जन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि यह समुद्र है और एक हिस्सा पहले ऐसे मान लेते हैं कि यहां एक पर्वत है इस तरह से और ये डूबा हुआ था लेकिन एक प्लेट एक्टिविटी हुई प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई और उसकी वजह से इस हिस्से में अपवर्ती बल लगा अपवर्ड फोर्स लगा जिसकी वजह से यह हिस्सा जो समुद्र के नीचे था अब वो हिस्सा समुद्र के बाहर आ गया तो इस ये द्वीप बन जाएगा यहाँ पर ये आइलैंड बन जाएगा तो इसे क्या कहा जाएगा अपलिफ्टमेंट कहा जाएगा इसे उमज्जन कहा जाएगा दुनिया में बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जो उमज्जन की वजह से बने हैं जो हिस्सा पानी के अंदर था जब वो हिस्सा पानी के बाहर आ जाएगा तो इसे अपलिफ्टमेंट का नाम दिया जाएगा ऐसे ही द्वीपों का निर्माण होता है एक और गतिविधि होती है दोस्तों और इस गतिविधि को कहा जाता है निमज्जन ठीक है एक और गतिविधि होती है जिसे निमज्जन कहा जाता है इंग्लिश में इसे सबमर्जेंस कहते हैं निमज्जन का मतलब क्या है मान लीजिए कि यह बहुत बड़ा हिस्सा है एक बहुत बड़ा पर्वत है जो ऊपर की ओर है किसी तरीके से यह पर्वत धस गया और धसने के बाद इसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ऊपर की ओर रह गया तो ये क्या कहलाएगा ये आइलैंड बन गया तो ये निमज्जन अंडमान और निकोबार और खास तौर पर अंडमान जो है वो माना जाता है कि वो भारतीय प्लेट में हिमालय का ही एक भाग है जो कि नीचे धसा हुआ है जिसका निमज्जन हुआ है तो अंडमान और निकोबार में जो अंडमान के द्वीप हैं, वो निम्जन का उदाहरण है वो सब का उदाहरण है ठीक है तो इस तरह से अलग अलग द्वीपों का निर्माण होता है इस तरह से अलग अलग आइलैंड का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर मैंने बस आपको एक बेसिक आइडिया दिया कि द्वीप क्या होते हैं तो आइलैंड के बारे में हमने जाना कि चारों ओर पानी से घिरे हुए जो छोटे स्थल खंड होते हैं उन्हें द्वीप कहा जाता है ठीक है स्मॉल लैंड एरिया सराउंडेड बाय वॉटर ऑल अराउंड ये उसके उदाहरण भी हैं देखिए इस तरह द्वीप दिखाई देते हैं दोस्तों ये पर्वत हैं बेसिकली जो बहुत नीचे तक हैं और ये इस तरह आइलैंड दिखाई देते हैं निर्माण मैंने आपको बताया कि ज्वालामुखी से बनते हैं हवाई आइलैंड्स इसका उदाहरण है इस तरह से ज्वालामुखी आता है दोस्तों और देखिए समुद्र के ऊपर यह हिस्सा आ गया ओके फिर अवसादों से बनते हैं नदी के द्वारा झील का अवसाद तटीय क्षेत्र तटीय क्षेत्रों का मतलब यह है कि जब जैसे मान लीजिए कि यह भारत की कोस्ट लाइन है ओके okay, तो यहाँ पर लगातार निक्षेपण का काम भी हो रहा है सागर के द्वारा तो पता पड़ा यहाँ एक छोटा सा द्वीप बन गया इसका उदाहरण है न्यू मूर आइलैंड ठीक है जो अब डूब चुका है दोबारा से भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद भी हुआ था न्यू मूर आइलैंड को लेकर के लेकिन अब ये सब मर्ज हो गया है तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम अन्य द्वीपों की बात करेंगे फिर अगला तरीका प्रवाल अच्छा ये मैं आपको बताना भूल गया चलिए मैं भी चर्चा कर लेता हूँ लक्षद्वीप प्रवाल ठीक है उमज्जन जापान के द्वीप निमज्जन अंडमान और निकोबार द्वीप एक तरीका और रह गया था द्वीपों के बनने का उसे प्रवाल कहा जाता है कोरल कहा जाता है तो कोरल बेसिकली आगे हम पढ़ेंगे कोरल क्या होता है अभी मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ कोरल के बारे में कोरल ना चट्टाने हैं दोस्तों जो मूंगा की चट्टाने जो अलग अलग जीव जंतुओं के अवशेषों से बनती हैं, ठीक है ये विशेष प्रकार के जीव होते हैं जो एक के बाद एक मरते जाते हैं और जैसे जैसे वो मरते जाते हैं तो वो चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं जिसे कोरल कहा जाता है दोस्तों ठीक है तो ये चट्टाने जब आपस में मिल जाती हैं तो इनसे द्वीपों का निर्माण होता है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लक्षद्वीप जो कि प्रवाल की वजह से बना है और ये प्रवाल भी दो तीन प्रकार के होते हैं जैसे एक होता है बैरियर रीफ तो बैरियर रीफ क्या करता है कि अगर ये द्वीप है तो इसके चारों तरफ ये बैरियर लग जाएगा जिसकी वजह से कहा जाएगा बैरियर रीफ सबसे अच्छा उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ वो क्या करता है यहां पर ऑस्ट्रेलिया है तो इस तरीके से ग्रेट बैरियर रीफ बनी हुई है तो एक अवरोध लगाता है समुद्र की तरंगों को इसीलिए उसे बैरियर रीफ कहा गया दूसरा होता है एटोल जो लेगुन के आज इस तरह से डेवलप होता है और एटोल प्रकार के जो द्वीप है वो पाए जाते हैं दोस्तों लक्षद्वीप में तो लक्षद्वीप के जो द्वीप है ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनते हैं कि लक्षद्वीप किस प्रकार से निर्मित हुए हैं तो वो एटोल प्रकार के प्रवालों से निर्मित हुए हैं एटोल प्रकार के कोरल से उनका विकास हुआ है ठीक है और उदाहरण है जो आपके सामने दिख रहे होंगे ये वॉलकैनिक आइलैंड है देखिए समुद्र है समुद्र के ऊपर इस तरह से वॉलकैनो आ जाएगा तो वॉल्निक आइलैंड कहलाएंगे ये गोवाट वगैरह जो शब्द है ना ये आप जब समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएंगे बैरियर रीफ सी माउंट ये शब्द आपको आगे समझ में आएंगे फिलहाल इतने टॉपिक को याद रखिए और जो जो बेसिक पॉइंट हमने आपको समझाए हैं वो बेसिक पॉइंट बहुत अच्छे से दिमाग में याद रखिएगा ठीक है चलिए एक मिनट दीजिए मुझे फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे अपन अगले टॉपिक पर चलते हैं ठीक तो ये हमने द्वीपों की चर्चा कर ली अब आगे बढ़े तो अगला है कि भारत में कौन कौन से द्वीप हैं या इंडिया के में जितने भी द्वीप हैं हम उनका किस तरह से विभाजन कर सकते हैं किस तरह से हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं तो भारत के द्वीपों को विभाजित करने का तरीका है कि तीन आधारों पर हम इन्हें विभाजित करें देखिए भारत में द्वीप तीन ही जगह पाए जाएंगे एक तो भारत में अरब सागर अरेबियन सी में कुछ द्वीप पाए जाएंगे बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में कुछ द्वीप पाए जाएंगे उसके अलावा या तो तटवर्ती क्षेत्रों में या फिर नदियों में कुछ द्वीप पाए जाएंगे तो हम इन्हें तीन भागों में बांट लेते हैं एक वो जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है एक वो जो अरब सागर में स्थित है और उसके अलावा भारत के तटीय और आंतरिक क्षेत्रों में कौन कौन से द्वीप हैं? इंडिया के कोस्टल और इंटरनल पार्ट में कौन कौन से आइलैंड हैं? तो वो अन्य द्वीप में आएंगे ठीक है सबसे पहले बंगाल की खाड़ी तो आप जानते हैं दोस्तों अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो बंगाल की खाड़ी में सबसे महत्वपूर्ण जो द्वीप आपको देखने मिलेंगे वो है अंडमान एंड निकोबार ठीक है अरब सागर में सबसे महत्वपूर्ण द्वीप जो देखने मिलेगा वो है लक्षद्वीप ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइलैंड है तो क्लियर है लोकेशन नहीं है तो एक बार मैप जरूर देखिए और देखिए किस जगह पर ये स्थित है क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी हमारी क्लास की जहां हमने भारत के विस्तार को पढ़ा था हमने एक्सपेंशन ऑफ इंडिया को पढ़ा था तो वहां हमने आपको बताया था कि भारत कन्याकुमारी से शुरू नहीं होता भारत जो है उसके और नीचे जब आप जाएंगे तो इंदिरा पॉइंट निकोबार में एक जगह मिलती है ग्रेट निकोबार वाले क्षेत्र में वहां इंदिरा पॉइंट से छह डिग्री चार मिनट के उत्तरी अक्षांश से भारत की शुरुआत होती है ठीक है आगे बढ़े तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप न्यूमूर द्वीप और पंबन द्वीप दिखाई देंगे ठीक है न्यूमूर द्वीप अब वापस से सबमर्ज हो गया है पंबन द्वीप के बारे में हम पढ़ेंगे हालांकि इसके बारे में हमने पढ़ा है जब हम श्रीलंका के साथ भारत के रिश्तों की चर्चा कर रहे थे तो वहां हमने राम सेतु की चर्चा की थी पंबन आइलैंड जिस पर रामेश्वरम बसा रामेश्वरम स्थित है तो वो भी हमने डिस्कस किया था ठीक है अगला है अरब सागर तो अरब सागर में जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है लक्षद्वीप ठीक है लक्षद्वीप उसके अलावा छोटे छोटे कुछ द्वीप हैं जैसे कि सालसेर द्वीप वेलिंगटन द्वीप और एलिफेरा या एलिफेंटा द्वीप ठीक है अन्य द्वीपों में देखें तो इसमें आता है माजुली जो कि एक रिवर आइलैंड है शिव समुद्रम श्री रंगम भावनी गंगा सागर इसके अलावा दो और हैं जो इसमें नहीं दिए गए हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड भी आता है और एक आता है श्री हरी कोटा वाला द्वीप ठीक है जो कि इसरो का एक लॉन्च स्टेशन है तो ये प्रमुख द्वीप हैं इन सभी को हमें मैप में बनाता है परेशान मत होइए पहले तो मैं आपको लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार डिटेल में पढ़ाऊंगा फिर हम एक मैप बनाएंगे जिसमें हम सारे आइलैंड्स को सारे द्वीपों को लोकेट करेंगे और उनके बारे में एक एक महत्वपूर्ण जानकारी या इन्फॉर्मेशन जो भी है वो लिख रहे होंगे ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सबसे पहले चर्चा करेंगे हम भारत के द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंडमान और निकोबार आइलैंड के अब देखिए भारत के द्वीपों की विशेषता यह है कि भारत में 1300 के आसपास द्वीप पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में ही पांच सौ बहत्तर द्वीप है लक्षद्वीप में लगभग 36 के आसपास आइलैंड है तो बहुत बड़ी संख्या है भारत में द्वीपों की तो कुछ प्रमुख द्वीप हमें पढ़ना है ठीक है अच्छा एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि ये द्वीप महत्वपूर्ण क्यों होते हैं ये जो आइलैंड है इनका इंपॉर्टेंस क्या है तो समझ लीजिए बस ताकि आपको पता रहे देखो सबसे पहला महत्व तो इनका यही होता है दोस्तों कि ये सामान्यतः यहाँ पर जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है सामान्यतः यहाँ बायोडायवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है उदाहरण के लिए अभी हम अंडमान और निकोबार की चर्चा करेंगे यहाँ 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है और यही कारण है कि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये जैव विविधता हॉटस्पॉट या रक्त तप्त स्थल है उसके अलावा दूसरा जो इनका महत्व होता है कि इनका रणनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है इनका स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है कैसे जैसे ये भारत है दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पर अंडमान और निकोबार है और यहीं पर जब आप देखेंगे ना तो यहाँ एक मलक्का जल संधि है मलक्का की आ, Uh, हाँ मलक्का स्ट्रेट है जो बहुत बड़ा ट्रेड रूट है ये इसी रूट से होकर के पूरे चीन का सामान गुजरता है तो ये एक्टिविटी पर नज़र रखने के काम आ सकता है चाइना की और चाइना भी भारत को काउंटर करने के लिए जो म्यांमार का कोको आइलैंड है वहां पर लगातार अपनी एक्टिविटी को बढ़ाता है तो इनका स्ट्रेटेजिक महत्व बहुत ज्यादा होता है नजर रखने में एक्टिविटीज को मॉनिटर करने में बहुत काम आते हैं और तीसरा इनका महत्व होता है पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन ठीक है टूरिज़्म के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है पर्यटन होता है सभी लोग जानते हैं अंडमान निकोबार जाते हैं लक्षद्वीप आइलैंड जाते हैं टूरिज़्म बहुत प्रमोट होता है तो टूरिज्म के भी ये बहुत ज़्यादा बड़े सोर्सें काम आते हैं और चौथी बात आइलैंड पर खासतौर पर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं और यहां पर ऐसी ऐसी जनजातियां हैं जो दोस्तों बिल्कुल आदिम तरीके से जी रही हैं, जो बिल्कुल प्रिमिटिव तरीके से जी रही हैं, तो वो जनजातियों का संरक्षक स्थल भी होते हैं ये वो ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट करने वाले एरिया भी होते हैं तो ये भारत में या फिर दुनिया भर में द्वीपों का महत्व होता है आइलैंड्स का इंपॉर्टेंस होता है ठीक है चलिए तो अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में अंडमान और निकोबार द्वीप तो पहले एक बार आप लोकेशन देख लें ये हमारा प्यारा भारत देश है ठीक है ये मतलब एशिया का मैप है अलग से नहीं मिला तो यहां पर आप देखें ये जो लोकेशन है यहां थोड़ा और इस साइड है माफ कीजिए यहाँ पर है कहीं ठीक है अंडमान और निकोबार है और ये अंडमान निकोबार का एक मैप है जैसे ऊपर वाला जो हिस्सा है ना ये दस डिग्री के बीच में एक चैनल है तो टेन डिग्री चैनल जो है उसे दो भागों में डिवाइड करेगा ऊपर वाला हिस्सा जो है ये अंडमान कहलाता है इसे उत्तरी हिस्सा भी कहा जाता है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये निकोबार कहलाता है या इसे दक्षिणी हिस्सा सदर्न पार्ट के नाम से भी जाना जाता है अब अगर आप देखें कि जो अंडमान है उसे भी बांटा गया है नॉर्थ अंडमान मिडिल अंडमान लोअर अंडमान लिटिल अंडमान फिर निकोबार को आप देखेंगे तो निकोबार को भी बांटा गया है कार निकोबार देखने मिलेगा ठीक है बॉम आइलैंड देखने मिलेगा नॉन कवेरी द्वीप देखने मिलेगा ठीक है लिटिल निकोबार देखने मिलेगा और ग्रेट निकोबार दिखाई देगा तो ये मैप है अभी इस पूरे मैप को हमें बनाना है दोस्तों आज की क्लास में हमें देखना है कि ये एक एक द्वीप में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं तो प... एक पेज में हम अंडमान का मैप बनाएंगे और एक पेज में हम निकोबार का मैप बनाएंगे और बहुत अच्छे से आप इसे ड्रॉ कीजिएगा ताकि आपके दिमाग में एक एक बात बड़ी स्पष्ट हो जाए बड़ी क्लियर हो जाए दोस्तों ठीक है चलिए आगे बढ़ें तो सबसे पहली बात जो अंडमान निकोबार के बारे में है कुछ फैक्चुअल बातें पहले पढ़ लेते हैं फिर हम मैप बनाना शुरू करेंगे तो पहली बात हम जानते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है ये भारत की एक यूनियन टेरिटरी है इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो दिखाई दे रही होगी आपको ये पोर्ट ब्लेयर राजधानी है और इसमें पांच द्वीप हैं बेसिकली ये पूरे इलाके में 572 हंड्रेड एंड है बहुत बड़ी संख्या होती है पांच द्वीप अंडमान वाले क्षेत्र में अगली बात हम देखें तो सर्वोच्च चोटी जो है वो सैडल पीक है जो 732 मीटर की ऊंचाई पर है यह प्रश्न कई बार बनता है कि अंडमान और हाईएस्ट पीक कौन सी है अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो जवाब दीजिएगा ये सैडल पीक है जो 732 मीटर ऊंची है बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉलकैनो बैरन आइलैंड यहां पर पाया जाता है ठीक है द्वीप भी है जो एक सुसुप्त ज्वालामुखी है लेकिन बैरन आइलैंड ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां स्थित है ओनली एक्टिव वॉलकैनो ऑफ इंडिया इज लोकेटेड तो जवाब दीजिएगा ये बैरन द्वीप अंडमान में स्थित है बैरन आइलैंड अंडमान एंड निकोबार में स्थित है अगला निर्माण कैसे हुआ है तो कहा जाता है कि ये हिमालय का ही हिस्सा था जिसका निमज्जन हो गया जिसका सबमर्जेंस हो गया फिर यहाँ पर ज्वालामुखी भी आए वॉलकैनो भी आए जिससे बैरन और नारकुंडम जैसे द्वीप मिले और फिर यहाँ पर प्रवाल ने भी काम किया जिससे कार निकोबार द्वीप का निर्माण हुआ जहाँ पर कोरल रीफ भी पाए जाते हैं तो तीन कारण हैं अंडमान और निकोबार के बनने के कैसे तो पहले हिस्सा जो बड़ा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है तो इट वॉज पार्ट ऑफ हिमालय का ही हिस्सा है जो डूब चुका है फिर दूसरा कारण ज्वालामुखी आए तो ज्वालामुखी से कुछ द्वीपों का निर्माण हुआ उदाहरण के लिए बैरन और नारकोंडम यहां पर भी कोरल रीफ पाए जाते हैं प्रवाल भित्तियां पाए जाती हैं तो प्रवाल की वजह से यहाँ पर निकोबार जैसे द्वीपों का निर्माण हुआ तो ये तीन फैक्टर जिम्मेदार हैं अंडमान और निकोबार के निर्माण में प्रवाल भित्ति ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी बस आप चीजों को समझ लीजिए मौलिक स्तर पर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है, है ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और यहाँ 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है यही कारण है कि जब 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी तो यहाँ घने और सदाबहार वन पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है और यहाँ मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं कारण यही है वर्षा बहुत ज़्यादा है और जहां जहां पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगा बट नेचुरल सी बात है वहा पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो बायोडाइवर्सिटी आएगी एनिमल्स भी अलग अलग प्रकार के देखने के लिए मिलेंगे और इसीलिए इसको जैव विविधता केंद्र या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है अब ये वाले पॉइंट तो बेसिक है अभी ये पूरे पॉइंट हम लिखने वाले भी हैं मैप में बनाने वाले हैं अभी तो मैंने आपको ये बेसिक बातें बताई अब पहले ना ये मैप को देख लो क्योंकि यह बना बनाया मैप है और हम इसको ड्रॉ करेंगे तो मैप में ना कुछ हिस्सों को ध्यान से समझ लो कि अंडमान निकोबार में बहुत सारे अलग अलग हिस्से हैं तो अंडमान और निकोबार तो ये जो ऊपर का हिस्सा है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ध्यान देना ये ऊपर का हिस्सा अंडमान कहलाता है और ये नीचे का हिस्सा निकोबार कहलाता है और इन दोनों को अलग करती है दस डिग्री का चैनल टेन डिग्री का चैनल यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल राशि अलग करती है तो याद रखिएगा टेन डिग्री का चैनल दोनों को अलग करता है ठीक है अब अंडमान में भी आप देखिए तो तीन बड़े तीन चार चार बड़े हिस्से हैं पहला हिस्सा उत्तरी अंडमान ध्यान से देखना बहुत ध्यान से दूसरा हिस्सा मध्य अंडमान तीसरा हिस्सा लोअर अंडमान जिसे दक्षिणी अंडमान भी कहा जाता है और चौथा हिस्सा लिटिल अंडमान या लघु अंडमान और आप देखिए पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान और निकोबार की राजधानी है वो कहाँ पर स्थित है तो वो लोअर अंडमान या दक्षिणी अंडमान में स्थित है फिर आप निकोबार में आ जाइए दोस्तों तो जैसे ही आप निकोबार आते हैं तो यहां दो बड़े हिस्से हैं एक हिस्सा है निकोबार और दूसरा हिस्सा है ग्रेट निकोबार तो भारत के सबसे दक्षिण में क्या हो गया अगर इस मैप से मैं प्रश्न पूछो तो इंडिया के सबसे साउथ में क्या है सदर्न मोस्ट में क्या है तो जवाब होगा ग्रेट निकोबार और फिर आपको पता है कि ये ग्रेट निकोबार है ये इंडोनेशिया है इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है और दोनों को ग्रेट चैनल अलग करती है जो महान चैनल है वो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करती है तो मैं बहुत ध्यान से क्लियर होना चाहिए और ये ऑर्डर क्लियर होना चाहिए एक बार इस ऑर्डर को बनाओ ठीक है ध्यान से देखो तो अगर आप बनाओगे तो सबसे पहले क्या मिलने वाला है मेरे साथ पहले ये बना लो एक बार ताकि याद हो जाए सर सबसे पहले हमें मिलेगा उत्तरी अंडमान नदर अंडमान बहुत अच्छी बात है फिर नीचे आएंगे सर तो इसके बाद हमें मिलेगा मध्य अंडमान मिडिल अंडमान सर थोड़ा और नीचे आएंगे तो इसके बाद हमें मिलेगा निम्न या दक्षिणी अंडमान सदर्न या लोअर अंडमान और नीचे आएंगे तो इसके बाद मिलेगा लघु अंडमान लिटिल अंडमान ये चारों हिस्से किसके हैं दोस्तों तो याद रखिएगा ये चारों जो हिस्से हैं वो अंडमान के तहत आते हैं इसके बाद बीच में इस तरह से बना लो एक मैप ही बन जाएगा आपका बीच में दस डिग्री चैनल मिलेगा और फिर शुरुआत होगी निकोबार की और निकोबार में पहला हिस्सा क्या दिखाई देगा तो यहां कार निकोबार प्रवाल से बना हुआ है ये कार निकोबार और फिर बीच में है कुछ और द्वीप हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे लेकिन मुख्य रूप से फिर दूसरा जो दिखाई देगा वो ग्रेट निकोबार दिखाई देगा ठीक है यहां से अगर आप देखोगे ग्रेट निकोबार अगर ध्यान दोगे दोस्तों और भी चीजों पर तो याद रखना यहाँ पर फिर एक चैनल है जल राशि है और इसे हम क्या कहते हैं ग्रेट चैनल और ये किसे अलग करती है तो यहाँ ग्रेट निकोबार है और इस वाले क्षेत्र में सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का ठीक है यहां ऊपर की ओर जाओगे यहां भी एक चैनल दिखाई देगी इस तरह से इस चैनल को क्या कहा जाता है कोको चैनल कहा जाता है पर ये किससे अलग करती है तो यहां एक द्वीप है यहां एक आइलैंड है कोको को द्वीप किसका आइलैंड है म्यांमार का आइलैंड है म्यांमार का द्वीप है तो ये बहुत बेसिक मैप है जो आपको याद रखना है अंडमान और निकोबार का ठीक है चलो अब ध्यान दो आपको एक बड़ा वाला मैप बनाना है यह तो मैंने आपको ऑर्डर याद करा दिया क्रम याद जरूर रखिएगा प्रश्न पूछे जाते हैं दो तीन प्रश्न आ चुके हैं कि एक तो अंडमान निकोबार का क्रम और दूसरा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के किस हिस्से में है तो याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर जो है वो लोअर अंडमान या दक्षिणी अंडमान में आता है जो अंडमान और निकोबार का एकमात्र हवाई अड्डा भी है ये भी आपको याद रखना ठीक है चलिए एक मिनट दीजिए फिर मैं आपको बता दूं कि कौन सा मैप हम बनाने वाले हैं चलिए अब पहले एक बार देख लो जो मैप आपको बनाना है ताकि आपको आइडिया रहे कि एक पेज में देखो मैंने पीपीटी है तो मुझे दो पेज लगे हैं बनाने में लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि ए फोर साइज के एक पेज में आप बना पाओ नहीं बने तो दूसरे पेज में बनाना और बनाओ भी तो आजू बाजू रख के मतलब देखो पहली कोशिश तो ये करना दोस्तों कि जो एक पेज है ए साइज का इसी में आ जाए और नहीं आए तो बीच में कॉपी होती है इस तरह से और ये दूसरा पेज होता है तो आजू बाजू वाले पेज में आ जाए ताकि जब आप देखो तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर दिखाई दे ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है मैप बनाना और दो तीन बार जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके दिमाग में भी ये चीज फिट हो जाएगी तो बेहतर आप लिख पाओगे और एक चीजें याद हो जाएंगी हमेशा के लिए मैप देख लो कैसे बनाना है पहले हम अंडमान का मैप बनाएंगे इतना बड़ा मैप है देख लीजिए एक बार ठीक है ये अंडमान का मैप हो गया साहब इसके बाद हम निकोबार का मैप बनाना शुरू करेंगे छोटा सा मैप है ज्यादा बड़ा नहीं है ठीक है चलो देख लिया ये निकोबार का मैप है द मैप ऑफ निकोबार एंड दिस इज द मैप ऑफ अंडमान चलिए शुरू करते हैं बनाना तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अंडमान के मैप बनाने की अंडमान का क्षेत्र तो सबसे पहले दोस्तों ऊपर आती है कोको चैनल कोको चैनल और किस किस को अलग करती है तो अभी हमने आपको बताया कि यहां पर साहब एक उत्तरी अंडमान का इलाका है यहाँ कोको द्वीप है म्यांमार का उसको अलग करती है कोको चैनल तो कोको चैनल के बाद ही अंडमान और निकोबार क्षेत्र शुरू होता है सबसे पहले अंडमान का यहाँ हिस्सा दिखाई देगा और इसे कहा जाता है उत्तरी अंडमान इसे कहा जाता है नदरन अंडमान ध्यान दीजिएगा कि टॉपिक पर उत्तरी अंडमान या नदरन अंडमान उत्तरी अंडमान में एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहीं पर स्थित है सैडल चोटी और हमने क्या डिस्कस किया था कि जो सैडल चोटी है वो अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार ठीक है तो इसको बनाइए सबसे पहले कोको चैनल बनाइए फिर आप उत्तरी अंडमान लिखिए और यहाँ पर सेडल चोटी या सेडल पीक को बना लीजिए कितनी लंबाई है इसकी 732 मीटर 732 मीटर की लंबाई है फिर दोस्तों उत्तरी अंडमान के आजू बाजू में बहुत सारे द्वीप हैं इसके आसपास बहुत सारे आइलैंड हैं इसमें सबसे पहले आइलैंड जो उत्तरी अंडमान के पास है ये कहलाता है लैंडफॉल द्वीप लैंडफॉल आइलैंड थोड़ा और देखेंगे तो यहाँ पर एक और मिलेगा इंटरव्यू द्वीप इंटरव्यू आइलैंड ठीक है यहां पर दोस्तों एक और द्वीप है साउंड द्वीप या साउंड आइलैंड कहलाता है स्थित है द्वीप आइलैंड और मैंने आपको बताया था कि यह एक सुसुप्त ज्वालामुखी है ठीक है नारकोंडम आइलैंड ठीक है तो ये दोस्तों उत्तरी अंडमान हो गया और उत्तरी अंडमान के आसपास ये सभी चीजें स्थित है ठीक है नॉर्थ अंडमान जहां पर सैडल चोटी है सैडल पीक है लैंडफॉल द्वीप इंटरव्यू द्वीप साउंड द्वीप नारकुंडम द्वीप पांच सौ बहत्तर द्वीप है अंडमान और निकोबार में हमें बस कुछ प्रमुख द्वीपों की बात करनी है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्या होता है प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार में स्थित नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग आईलैंड इज नॉट दार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगला हिस्सा आएगा अंडमान का जिसे मध्य अंडमान कहते हैं मिडिल अंडमान कहते हैं दोस्तों मध्य अंडमान में ऐसा नहीं है कि द्वीप पे कुछ हो, लेकिन मध्य अंडमान के आसपास कुछ चीजें दिखाई देंगी जैसे मध्य अंडमान से जो समुद्र का क्षेत्र जुड़ा हुआ है यहाँ पर अंडमान सागर है तो उसी समुद्री क्षेत्र में स्थित है रानी लक्ष्मी मरीन पार्क रानी लक्ष्मीबाई मरीन पार्क तो याद रखना है ये कहाँ स्थित है मध्य अंडमान में स्थित है इतना भी पूछ लिया जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई मरीन पार्क कहाँ है तो याद रखिएगा ये अंडमान और निकोबार में आता है और अंडमान में भी याद रखिएगा कि ये मध्य अंडमान मिडिल अंडमान में आता है उसके बाद मध्य अंडमान के पास में ही एक द्वीप स्थित है बैरन द्वीप बैरन आइलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है इट इज द एक्टिव एक्टिव वॉलकैनो ऑन अर्थ इट इज दी एक्टिव वॉलकैनो ऑन दी अर्थ ये पृथ्वी पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ठीक है सॉरी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये अर्थ हो गया ऑन इंडिया इन इंडिया सॉरी सॉरी इन इंडिया भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप बैरन आइलैंड ठीक है आगे बढ़े तो इसके बाद हम दक्षिणी अंडमान पहुंचेंगे जिसे निम्न अंडमान या लोअर अंडमान के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों ये जो दक्षिणी अंडमान का हिस्सा है साउथ अंडमान का हिस्सा है यहाँ पर माउंट हैरियर जो यहाँ का हाईएस्ट पीक है सर्वोच्च चोटी है और यहीं पर स्थित है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी भी है और यहीं पर एयरपोर्ट है तो याद रखिएगा पोर्ट ब्लियर दक्षिणी या निम्न अंडमान सदर्न या लोअर अंडमान का हिस्सा है ठीक है आगे बढ़े तो यहीं पर एक द्वीप स्थित है ट्विन द्वीप ट्विन आइलैंड ट्विन आइलैंड ठीक है एक और है रटलैंड द्वीप रटलैंड आइलैंड रटलैंड द्वीप इसके बाद देखें तो यहां दोस्तों हाल ही में तीन इंपॉर्टेंट द्वीप हैं जिनके नाम बदले गए सबसे पहले यहां पर द्वीप आएगा स्वराज द्वीप इसका पुराना नाम क्या था था तो हेवलॉक से बदल करके इसका नाम रखा गया है स्वराज द्वीप और यहीं पर राधानगर बीच स्थित है जो बहुत ज्यादा फेमस है अपनी खूबसूरती के लिए ठीक है फिर ये इसके बाद दूसरा द्वीप है शहीद द्वीप शहीद आइलैंड इसका पुराना नाम था नील तो नील द्वीप का नाम बदल करके शहीद द्वीप कर दिया गया है और तीसरा द्वीप है रॉस आइलैंड और रॉस आइलैंड का नाम बदल करके सुभाष चंद्र द्वीप कर दिया गया है सुभाष चंद्र आइलैंड कर दिया गया है आप जानते हैं कि नेताजी का बहुत गहरा संबंध है अंडमान और निकोबार से यहीं पर उन्होंने भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी आजादी के समय और यहीं से उन्होंने एक रेडियो संदेश देकर के महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के था तो बहुत गहरा संबंध है अंडमान निकोबार से तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो जेल है दोस्तों उस जेल में भारत के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं तो कई लोगों के नाम आपको दिखाई देंगे काला पानी की सजा कहलाती थी क्योंकि आप कहाँ से भाग नहीं सकते द्वीप है ना दोस्तों तो आइलैंड से भागने के लिए आपको जहाज की जरूरत पड़ेगी अगर जेल से कैसे आप भाग भी गए तो जेल के बाहर आप जा नहीं पाएंगे है तो ये आपको याद रखना है कि दक्षिणी अंडमान सदर्न अंडमान के पास ये तीन द्वीप हैं स्वराज आइलैंड शहीद आइलैंड सुभाष चंद्र आइलैंड ये तीनों के पुराने नाम हैवलॉक नील और रॉस थे जिनके नाम हाल ही में बदले गए हैं आगे बढ़े दोस्तों तो यहाँ पर महात्मा गांधी मरीन पार्क भी स्थित है देखिए एक रानी लक्ष्मी मरीन पार्क मध्य अंडमान के पास स्थित है और महात्मा गांधी मरीन पार्क जो है वो दक्षिण अंडमान के पास स्थित है ठीक है यहीं पर सेंटिनल द्वीप है नदरन सेंटलिन द्वीप उत्तरी सेंटलिन आइलैंड क्यों महत्वपूर्ण है यहाँ पर सेंटलिन जनजाति पाई जाती है जो बहुत बहुत ज्यादा तो कंजर्वेशन किया जा रहा है सरकार के द्वारा सेंटिनल द्वीप फिर आता है दोस्तों डंकन पास ध्यान देना यहाँ पर यह रटलैंड द्वीप है इसके बाद डंकन पास आएगा ठीक है डंकन पास और फिर इसके बाद आएगा लिटिल अंडमान लघु अंडमान ठीक है और फिर 10 डिग्री का चैनल आएगा और इसके बाद शुरुआत होगी कारने को बार की अब दो तीन प्रश्न यहीं से बनते हैं एक पूछता है कि डंकन पास कहां स्थित है तो अगर बहुत स्पेसिफिकली देखोगे तो ये रटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान के बीच में है लेकिन जब वृहद रूप में देखा जाता है तो कहा जाता है कि ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है ये आइलैंड याद रखना साउथ अंडमान सबसे महत्वपूर्ण है क्यों जो महत्वपूर्ण है तो एक तो यहाँ सेंटिनल आइलैंड हो गया फिर यहाँ यह तीन महत्वपूर्ण द्वीप हो गए ठीक है तीनों का क्रम याद रखिएगा सुभाष चंद्र द्वीप है फिर शहीद द्वीप है और फिर स्वराज द्वीप है तीनों के नाम बदले गए हैं पुराने नाम थे रॉस नील और हैवलॉग और जो स्वराज द्वीप है वहीं पर दोस्तों राधानगर बीच है यहाँ पर याद रखें पोर्ट ब्लेयर जो कि राजधानी है वो स्थित है महात्मा गांधी मरीन पार्क दक्षिणी अंडमान के पास है जबकि रानी लक्ष्मीबाई मरीन पार्क जो है वो मध्य अंडमान से लगा हुआ इलाका है ठीक है चलिए तो ये अंडमान का मैप है एक बार फिर से ध्यान से देख लो और चीजों को बनाओ देखो दो से तीन बार जब आप मैप को बनाओगे ना घर जाकर के दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे तो आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि अंडमान से बनने वाले लगभग अस्सी प्रतिशत प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाओगे क्योंकि बेसिक प्रश्न यहीं से निकल करके आते हैं ठीक आगे बढ़े इसके बाद अगला है निकोबार निकोबार का मैप उतना मुश्किल नहीं है अंडमान में ही मैक्सिमम चीजें हैं। तो निकोबार की शुरुआत कहां से होगी तो सबसे ऊपर तो टेन डिग्री का चैनल आएगा इसके ऊपर आप जानते हैं क्या स्थित है तो इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए कि साहब लिटिल अंडमान स्थित है लघु अंडमान स्थित है अब आप नीचे की तरफ आइए तो जैसे ही आप 10 डिग्री चैनल को पार करेंगे तो आप निकोबार वाले क्षेत्र में आ चुके हैं और सबसे पहले आपको दिखाई देगा कार निकोबार याद रखिए कार निकोबार प्रवाल पाए जाते हैं प्रवालों से इसका निर्माण हुआ है दोस्तों फिर इसके बाद एक खाड़ी दिखाई देगी जिसे कीमोश की खाड़ी कहा जाता है कीमोश की खाड़ी कहा जाता है बे ऑफ कीमोश कहा जाता है। इसके बाद नॉन कवेरी द्वीप आएगा, कवेरी आएगा फिर सोमब्रेरो चैनल दिखाई देगी ये प्रश्न भी पूछा जाता है सोमब्रेरो चैनल कहां पर है इसके बाद लिटिल निकोबार आएगा फिर प्राइस चैनल दोस्तों प्राइस चैनल ओके राइस चैनल और इसके बाद ग्रेट निकोबार आएगा यहाँ की सर्वोच्च चोटी है माउंट थुलियर माउंट थुलियर और यहीं पर ग्रेट निकोबार जैव मंडल क्षेत्र है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है और यहीं पर स्थित है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया पर की खाड़ी भी है और फिर ग्रेट चैनल आ जाएगा और इसके बाद यह सुमात्रा द्वीप से जुड़ जाएगा अब यहाँ पर अगर आपने प्रश्न देखे होंगे तो सोमब्रेरो चैनल के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो कई बार ना उसमें नॉन कवेरी द्वीप को नहीं काउंट किया जाता तो कार निकोबार और लिटिल निकोबार बोल दिया जाता है कई बार इसको भी काउंट नहीं किया जाता सिर्फ इतना बोल दिया जाता है कार निकोबार और ग्रेट निकोबार तो वो प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है कि एमसीक्यू में उसने क्या ऑप्शन दिए हुए हैं सही आंसर तो यही होना चाहिए कि ये नॉन कवेरी और लिटिल निकोबार के बीच में है पर याद रखना ऑप्शन के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में भी ये आ सकता है तो 10 डिग्री का चैनल फिर कार निकोबार फिर कीमोश की खाड़ी नॉन कवेरी द्वीप सोमब्रेरो चैनल लिटिल निकोबार प्राइस चैनल उसके बाद ग्रेट निकोबार माउंट थुलियर इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार जैव मंडल ये सारी चीजें निकोबार के मैप में दिखाई देंगी ठीक है तो ये था दोस्तों अंडमान और निकोबार मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए अब मुझे बताइए क्या ये टॉपिक क्लियर है आपके दिमाग में इस टॉपिक को लेकर के कोई डाउट है कोई भी अगर डाउट आपके दिमाग में है तो आप बताएं एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन भी आपके साथ साझा करनी है एक मिनट दीजिए मॉडर्न हिस्ट्री यहां नहीं करवा रहा हूं दोस्त मैं मॉडर्न हिस्ट्री प्लस पर चल रही है वो वहां पर खत्म हो रही है दोस्त ठीक है क्लियर है तो आप खत्म करते हैं क्लास को दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि अन अकेडमी पर एक बार फिर से 22 अगस्त से 26 अगस्त तक ये ऑफर आया है अनलॉक 20 का बहुत अच्छा ऑफर है 20 परसेंट का डिस्काउंट है और अभी अगर आप 24 महीने का कोर्स खरीदते हैं तो आपको चौदह हजार रुपए में मिलेगा इसमें भी आप मेरा डिस्काउंट लगा दीजिए कोड लगा दीजिए एस जी लाइव तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा सो प्लीज यूज़ माई कोड एस जी लाइव टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट एक्चुअली ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट अगर अभी आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ठीक है इसके अलावा मेरा कोर्स चल रहा है आधुनिक भारतीय इतिहास का कोर्स है मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है अनअकैडमी का और इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला कोर्स शुरू होने वाला है वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का कोर्स 29 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं 29 से शुरू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में हम राष्ट्रीय आंदोलन खत्म करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आइए जुड़िए वहां पर मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए और अब आपकी क्लास यहाँ पर रेगुलर होगी कल आपसे हम रात शाम को चार बजे दोबारा मिलेंगे जहां हम चर्चा करेंगे हमारे भारत में अन्य द्वीपों की अदर आइलैंड्स इन इंडिया की अपना ख्याल रखिए थैंक यू थैंक यू सो मच दोस्तों ठीक है एंड सॉरी uh, वो गैप बीच में आ गया कुछ दिनों का अब ये गैप नहीं आएगा ठीक है जब भी होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये कब कैसे होगा ठीक थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू